अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप यूरोप जाना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ सैलरी भी अच्छी हो और उसका जो हमारा बजट है, अगर वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर हमारा बजट भी कम हो, लिमिटेड बजट हो, और हम यूरोप में जिसकी वीज़ा रेशियो भी अच्छी हो, जिसका प्रोसेसिंग टाइम भी फास्ट हो, तो वो कौन सी कंट्री है जो शेंजेन जोन के अंदर आती है? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है फिनलैंड के ऊपर। फिनलैंड हम कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, क्या फीस है, क्या कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कहाँ से कहाँ पर अप्लाई करना है, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अगर वीडियो रिलेटेड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। तो फिनलैंड का जो वीज़ा रेशियो है इस वक्त वो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो, इंडिया से अप्लाई करते हो, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे भाइयों का वीज़ा लगा भी है। अगर आप भी चाहें तो अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करने हैं और खुद प्रिपेयर करने के बाद आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 10 to 30 days के अंदर आपको इसका जो फिनलैंड का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। जब आप वीज़ा ले लेते हो वहाँ पर जाकर अपना वर्क वीज़ा भी आप ले सकते हो। तो इसके अगर हम बात की जाए कि इसके बजट के ऊपर के हमें क्या हमारे पास कितनी है, हमारे जो फिनलैंड की रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है। फिनलैंड की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 30 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 7 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 210 यूरो होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखे जाएँ तो ये यूरोप की दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है। तो अब वहाँ पर आप अपना फिनलैंड के अंदर वहाँ पर जा सकते हो आसानी से, इतने कम बजट के अंदर। अगर हम इसके अदर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको चाहिए आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, आपके पास PCC पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास FRC या MRC आपको चाहिए, आपको आपके पास अगर प्रॉपर्टीज है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर कार्स है या इसके अलावा कोई और एसेट्स हैं आपके पास, उसके आप डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो जो आपकी जॉब आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह आप साथ में अटैच कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स तो आपके साथ में अटैच कर सकते हो, आपके ट्रांजेक्शन साथ में अटैच कर सकते हो इन आउट की। तो इस तरह अगर आप बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसमें जो बैंक स्टेटमेंट है वो है 6 से 7 लाख या आपके पास 8 लाख मैक्सिमम होना चाहिए आपके अकाउंट में, जस्ट आपको शो करने के लिए फिनलैंड का वीज़ा लेने के लिए। तो बहुत आसानी से अगर आपके पास 10 लाख है तो आप बहुत आसानी से आपकी जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम इसलिए अप्लाई कहाँ से करना है, किधर से करना है, कैसे करना है। VFS के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है जो 21 यूरो की होती है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अब जाना होता है, जाकि ये लाहौर से भी ले सकते हो, आप इस्लामाबाद से भी ले सकते हो, कराची से भी ले सकते हो। नैदरलैंड की एम्बेसी इसको डील करती है फिनलैंड के, अगर आप जाना चाहते हैं फिनलैंड के अंदर, जो कि इस वक्त वीजा रेशो के सबसे बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।